बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी किचन के खाने। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का कढ़ाई। और चिकन टिक्का कढ़ाई के लिए आपको चिकन चाहिए, पीसेस कर लिए मैंने, 1 kg है तकरीबन, और 7-8 लीव्स मिंट के, 2 चिलीज, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, चिलीज का भी पेस्ट बना लेंगे, मिंट का भी पेस्ट बना लेंगे, और ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए, नमक 1 teaspoon, सूखा धनिया 1 teaspoon, लाल मिर्च 1 teaspoon, तंदूरी मसाला 1 teaspoon, ज़ीरा 1 teaspoon इसका पाउडर बना लेंगे क्रश करके, और काली मिर्च क्रश हुई भी 1 teaspoon, और आपको चाहिए 2 tablespoon दही। मिंट और हरी मिर्च मैंने क्रश कर लिए। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स चिकन के अंदर डालेंगे और इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे आधा घंटा से घंटा। फिर इसको ओवन में रखेंगे, टिक्कों को आधा कुक करेंगे, इनको पूरा कुक नहीं करना है, हाफ टाइम कुक करना है 10 मिनट। ये मैंने मिक्स कर लिया, इसको मैरिनेट होने देंगे 1/2 to 1 hour, और इसको ओवन में रखेंगे। टिक्के मैंने ओवन में रख लिए, 10 मिनट इनको पकाएंगे, तब तक हम मसाला पका लेते हैं। और मसाले के लिए आपको इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तेल, धनिया एंड पर डालेंगे, जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च क्रश कर ली, कसूरी मेथी एंड पर डालेंगे, टमाटर 7-8 लिए मैंने, और ड्राई इंग्रेडिएंट्स चिली फ्लेक्स 1 teaspoon, ब्लैक पेपर्स क्रश हुई 1/2 teaspoon, हल्दी 1/2 teaspoon, लाल मिर्च 1 tablespoon, ज़ीरा 1/2 teaspoon, नमक 1 teaspoon, टिक्कों में भी डाला है इसलिए ज़्यादा हो जाएगा। बनाते हैं मसाला। मैंने तेल डाल लिया अबाउट 150 ml, इसके अंदर डालते हैं गार्लिक जिंजर का पेस्ट, गार्लिक को तब तक पकाएंगे जब तक ये ब्राउन और इसकी स्मेल ना आ जाए, फिर इसके अंदर मसाले डाल देंगे, गार्लिक का कलर चेंज हो गया, इसके अंदर टमाटर डालते हैं वरना इधर जाएगा, इसी के साथ चिली डाल देते हैं, टमाटर सॉफ्ट हो चुके, ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी डाल देते हैं, मसाले को अच्छी तरह भूनना है, इसको अच्छी तरह पकाएंगे। जितना अच्छा मसाला होगा उतनी अच्छी आपकी टेस्ट बनेगी टिक्कों की भी कढ़ाई की। हमारा मसाला तकरीबन तैयार हो चुका है और टिक्के भी हो गए, 10 मिनट इनको मैंने पकाया है, पूरा नहीं पकाना है आपने, ग्रेवी में भी पकेंगे। इसको थोड़ा सा और पकाएंगे,
जब तेल ऊपर आ जाएगा फिर इन टिक्कों को डाल देंगे। मसाला रेडी हो चुका, इसके अंदर टिक्के डाल दें। इनको अच्छी तरह पकाएंगे। इसको अच्छी तरह भूनना है। साफ साफ हिलाते रहना है, नीचे लग ना जाए। देखें कितनी जबरदस्त लग रही है। तेज हीट पर पकाना है आपने इसको। जब इसके अंदर चिकन डालें अगर नीचे लगने लगे थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, फ्यू ड्रॉप्स। इसके अंदर टमाटर ज़्यादा हैं तो लगना नहीं चाहिए, अगर हिलाते हैं तो। दस मिनट हो गए हमें इसको भूनने और 10 मिनट चाहिए। 10 मिनट ओवन में रखा है चिकन को और 10 मिनट इधर कढ़ाई में।
इसके ऊपर डालेंगे धनिया और ड्राई कसूरी मेथी, आज मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प कर रहे हैं, लॉकडाउन है, बोर हो रहे हैं, उनको थोड़ा बिजी रखूं। ये हमारी डिश रेडी होगी, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। इसको डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। ये हमारी चिकन टिक्का कढ़ाई तैयार हो चुकी। देखने का शुक्रिया, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।